ओके, स्टोर लेजर सिंपल अंडर सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, डेट पर्टिकुलर परचेज रिसीव भी बोल सकते हैं, इशूड या सेल, ठीक है। तो स्टोर लेजर में इशूड करते, डायरेक्टली सेल नहीं होता, सेल गोदाम से नहीं करते, बिजनेस से होंगे आपको, ऑफिस से। देन बैलेंस, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, ओके, सेम फॉर्मेट रहेगा जैसा आप फीफो एंड लिफो करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ द क्वेश्चन, दिस वन। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एटन आइटम ऑफ ए मटेरियल, डेट रिसीव क्वांटिटी, डेट दे दिया आपको, रिसिप्ट है और इशू की क्वांटिटी दे दिया और रेट दे दिया, इशू की कभी भी प्राइजेस नहीं देता उन्हें, ठीक है। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द स्टोर लेजर, प्राइजिंग द इशूड अकॉर्डिंग टू द सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। फर्स्ट लेट्स सी विथ सिंपल एवरेज मेथड, ओके। तो फर्स्ट थिंग हमेशा क्या करेंगे, सिंपल एवरेज से पहले एंट्री क्या आएंगे सिंपल एवरेज में, ओके। तो 1 जनवरी 1986 को क्या करें, यहाँ पर परचेस करें, रिसीप भी बोल सकते हैं। 1 जनवरी 1986 क्या है यहाँ पर, रिसीव्ड। कितना क्वांटिटी रिसीव करें, 400। प्राइस क्या है इसका, 2.20, ठीक है। तो उसे मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आता आपको मल्टीप्लाई अगर करे तो आप, ठीक है, 400 × 2.20 से मल्टीप्लाई करो, आपको कितना आएगा ये, 880। लेके जाइए किस में लिखना, बैलेंस में लिखना, कितना, 400। सिंपल एवरेज मेथड में प्राइजेस नहीं लिखते, सिर्फ क्वांटिटी एंड अमाउंट, ठीक है। और हमेशा क्लोज करते रहना, चाहे परचेस करो चाहे इशूट करो, क्योंकि अगर परचेस करे तो ऐड करना, इशूट करे तो डायरेक्ट माइनस करना। नेक्स्ट 8 जनवरी को दोबारा से परचेस करें, 8 जनवरी दोबारा से रिसीव करें, रिसीव्ड, ठीक है। कितना अमाउंट रिसीव करें, 500 का अमाउंट रिसीव करें, प्राइस है इसका 2.40, प्राइस है 2.40, मल्टीप्लाई करें तो आपको 1200 आ रहा, ठीक है। 1200 आता अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दोनों को मिला के डालो, ऑलरेडी 400 था फिर 500 आ गया, ओवरऑल कितना हो गया, 900, प्राइस नहीं डालते इसमें, इसको ऐड करो, 1200 प्लस 800 मीन्स 2080 हो जाता है, क्योंकि 80 भी है ना, तो क्लोज करना, चाहे परचेस करो चाहे शूट करो, सिंपल एवरेज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है आपको, 12 जनवरी को क्या करें, इशूट करें, कितना इशूट मीन्स इशूट के कॉलम में डालना, टोटल प्रेजेंटली 900 क्वांटिटी है, अपने को इशूट का कितना आया ऑर्डर, डिमांड है 300, क्वांटिटी है तो डिमांड पूरी कर सकते हैं 300। प्राइस क्या लेना, मीन्स लास्ट टू प्राइजेस का एवरेज लेना, लास्ट टू 220 प्लस 2.40, 2.20 डिवाइड बाई 2.40, 2.20 प्लस 2.40 डिवाइड बाई 2 करना, तो ये कितना आएगा, 2.30 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 2.30 हो जाता आपको, और इससे इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना आता, 690 होता आपको, कितना, 690 होता आपको। 900 में से 300 चलेगा तो बचा कितना, 600, और आपको प्राइस नहीं रहेगा, 690 में से 2000 में से 600 को निकाल दो आप तो 1400 रहता, 80 निकाल दो तो कितना आएगा आपको, 1390 आएगा आपको, कितना आएगा, 1390 बचेगा आपको, ओके। तो इशूड हमेशा ऐसा करना, लास्ट टू प्राइसेस का एवरेज करके उसको वो प्राइस से इशू करना, उसको सिंपल एवरेज में इस तरह से करते हैं, लास्ट टू प्राइसेस ऑलवेज। उसके बाद नेक्स्ट फिर 15 को दोबारा से इशूट करना है, 15 जनवरी को अगेन इशूड है, ठीक है। तो फिर लेके जाके इशूट के कॉलम में डालो, कितना इशूट करना है अपने को, 200 इशूट करना है, प्रेजेंटली 600 है तो 200 पूरा जा सकता। प्राइजेस क्या करते, लास्ट टू प्राइजेस 2.20 प्लस 2.40 डिवाइड बाई 2 करे तो 2.30 आ रहा आपको, ठीक है। 400 460
कितना आ रहा, 460। 460 आया तो 6 में से 200 गया तो बचा कितना, 400। प्राइस नहीं डालते, 13 में से 400 पहले निकालो तो 300 निकालो, 1000 बचता, फिर 100 निकालो कितना बच रहा आपको, 900, और 90 में से 60 निकाले तो 930, कितना बच रहा, 930। तो इसको भी क्लोज कर दो, तो यू शुड हमेशा लास्ट टू प्राइजेस। नेक्स्ट 20 जनवरी को परचेस करें, 20 जनवरी को क्या करें, परचेस, कितना क्वांटिटी परचेस करें, 600 है, प्राइस है 2.80, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, 1680 आता आपको, मल्टीप्लाई करें तो लेके जाके यहाँ पर ऐड करना, 400 ऑलरेडी क्वांटिटी है, 600 आ गई, मतलब टोटल क्वांटिटी कितना है, 1000, प्राइस नहीं डालते, इन दोनों को ऐड करना, ठीक है। 1600 में पहले 900 ऐड करो, 4 ऐड करे तो आपको 2000 था, 2500, 2610 होता आपको, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एंट्री दिया 27 को, आप इशूट करें तो परचेस करते खुद ऐड करते हुए डालना, इशूट करते खुद माइनस करते हुए डालना, इशूड, इशूड मीन्स इशूड के कॉलम में लिखना, कितना इशूट कर रहे हैं, 400 की क्वांटिटी इशूट कर रहे हैं, आपके पास कितना है, 1000 है, 1000 में से 400 दे सकते हैं, बिल्कुल। प्राइस क्या लेंगे, लास्ट टू प्राइजेस, लास्ट टू प्रेजेंटली क्या है, 2.40 और 2.80, 2.40 प्लस 2.80 डिवाइड बाई 2 करना तो 2.60 आपको आएगा, इससे आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आता आपको, 1040 आएगा, यानी कि 1040। 1000 में से 400 चले गया तो बचा कितना, 600 बचा, प्राइस नहीं डालना, ठीक है। इसमें से 1000 निकाल दो, अपने को कितना बचेगा, 1600 बचेगा, 16 में से पहले 10 निकाल दो, 1600 है, फिर 30 निकालने गए तो 1570 आएगा, 1570। तो ये है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखना 31st जनवरी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना है, 31st जनवरी क्लोजिंग स्टॉक इज 1600, जिसका प्राइस है 1570, ओके। दिस इज द सिंपल एवरेज मेथड।